हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी किचन में छोले भटूरे। छोले भटूरे जो सबको पसंद आते हैं और बड़ी अच्छी सी और सिंपल रेसिपी छोले भटूरे की। तो मैं आप सबको इसमें दिखाऊंगी कि हम छोले भटूरे कितने आसानी से और फटाफट से बना लें। ये देखिए छोले हैं जिसे मैंने रात भर पानी में भिगो दिए थे और ये अच्छे से फूल गए हैं। अब इन छोले को कुकर में मैं ऐड करूंगी ये गरम मसालों के साथ। गरम मसाले में मैंने खड़े गरम मसाले लिए हैं जिसमें लौंग, काली मिर्च, टोड़ा और पत्ता है। अब इसमें मैं छोले ऐड करूंगी जो छोले मैंने रात भर भिगोए थे। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी। हम इसमें फ्रेश वाटर यूज़ करेंगे। तो कुकर को बंद करके हम गैस में चढ़ा देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है यहाँ पे, जो अच्छा होता है भटूरे छोले भटूरे में छोले बनाने के लिए। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। जीरा को बस हल्के फ्लेम में थोड़ा सा गर्म करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डालूंगी और उसे थोड़ा सा फ्राई करूंगी। बस हमें हल्का सा ही फ्राई करना है। इसमें अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट मैंने ऐड किया है। इसे मैंने कद्दूकस किया है, मिक्सर में नहीं पीसा है। ये हल्का सा दरदरा चाहिए था हमें, इसलिए मैंने इसमें हल्का सा ही पीस के डाला है। फिर इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और फिर नमक ऐड कर देंगे। फिर थोड़ा सा सौंफ डालेंगे। सौंफ मैंने बाद में डाला है क्योंकि वो साथ पहले डालने से जल जाती है तो कड़वी हो जाती है। फिर इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और धनिया पाउडर के बाद फिर इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। मैंने कुछ टमाटर को बारीक काट के डाला है छोटे छोटे और कुछ को कद्दूकस करके भी डाल दिया, जिससे ग्रेवी का फ्लेवर अच्छा आता है हमारे। अब मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी और इसे ढक्कन लगा के हम थोड़ा सा पकने देंगे। 5 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी। फिर 5 मिनट बाद ये देखिए मसाले अच्छे से भुंज गए हैं और अच्छा सा फ्लेवर आ गया है मसालों में। अब इसे थोड़ा सा उबले आलू के साथ में मैश कर दूंगी। आलू को इसमें मिला देंगे हम। मैंने इसमें बॉयल आलू लिया है क्योंकि बॉयल आलू का स्वाद अच्छा आता है इसमें छोले में डालने में, वो जल्दी पक भी जाते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने इस पे छोले मसाले ऐड किया है। इसमें मैंने एवरेस्ट का छोले मसाले डाला है। आप चाहे तो उसे घर में भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। अब ये उबले हुए छोले और उसके पानी और मसालों के साथ इसमें ऐड कर देंगे। उसी पानी को यूज़ करेंगे जिस पानी से हमने छोले को बॉयल किया था। इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है छोले का। अब इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा और पानी डाल के अब इसे मैं 5 मिनट तक पका लूँगी धीमा करके, जिससे छोले अच्छे से मैश हो जाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है ग्रेवी का। अभी 5 मिनट बाद छोले अच्छे से पक गए हैं और ये देखिए छोले अच्छी तरीके से मैश हो गए हैं, बिल्कुल कम मसालों में, और बहुत ही अच्छे छोले बने हैं। मैंने ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ किए हैं इसमें और एकदम लाइट वेट छोले बनाए हैं। तो ये देखिए ये छोले बनके बिल्कुल रेडी हो गए। अब हम अब भटूरे बनाने की प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें 1.5 कप मैदा ऐड किया है। मैंने 1.5 कप ये मैदा लिया है। इसके बाद हम इस पे थोड़ा सा सूजी ऐड करेंगे। सूजी से भटूरे में हमारे क्रंचीपन आता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैदे में मिक्स कर देंगे सूजी को अच्छे से और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक हमें थोड़ा सा ही ऐड करना है इसमें। फिर मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड करूंगी। शक्कर भी हमें थोड़ी सी डालनी है। शक्कर से हमारे भटूरे में ब्राउनपन सा जो आता है वो शक्कर के कारण ही आता है, इसीलिए शक्कर बहुत ज़रूरी है। शक्कर आप ज़रूर ऐड करिएगा। फिर मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी जिससे हमारे भटूरे एकदम सॉफ्ट से बने।
और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम मैदे को, सूजी को और ऑयल को। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें मैं दही ऐड करूँगी और दही के साथ मैदे को और सूजी सब चीज़ को अच्छे से मिक्स करके फिर एक डो हमें तैयार करना है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए धीरे धीरे ये सॉफ्ट हो रहा है। फिर इसमें मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज़ करूँगी। बेकिंग सोडा ही यूज़ करना है आप लोगों को भी, और अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप लोग इनो यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड करूँगी। बेकिंग पाउडर से अच्छे से ये भटूरे बनेंगे हमारे। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ज़रूरी होता है इस पर डालना। फिर इसमें थोड़ा सा दही और ऐड करूँगी मैं, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। और हम फटाफट से अपने डो को तैयार कर लेंगे। मैदे को मैंने अच्छे से मिला लिया है दही में और पानी में, और इसे गूंद के एक परफेक्ट डो हम तैयार कर लेंगे। और ये देखिए फटाफट से मैंने डो को तैयार कर लिया है। अब इसे मैं 1 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि अच्छे से ये भटूरे का आटा रेडी हो जाए, हमारे भटूरे फूले फूले बने। जैसे ये देखिए ये रेडी हो गया। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए रख दूँगी। अब ये देखिए 1 घंटे बाद ये अच्छे से मैदे का आटा एकदम तैयार हो गया है भटूरे के लिए और अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम इसे हाथों से थोड़ा मैश कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए एकदम सॉफ्ट आटा तैयार हो गया है भटूरे का। अब बस अब हमें इसे फटाफट से भटूरे बना लेना है। और ये देखिए छोटी सी लोई का मैंने भटूरे बेल रही हूँ मैं इसे, और इसमें थोड़ा सा मैदा लगा के हमें अच्छे से बेल लेना है। आप कैसा भी भटूरे बना सकते हैं, छोटा या बड़ा, जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसा भटूरे तैयार कर सकते हो इसे बना के। अब मैं इसे फ्राई करने के लिए हमें कढ़ाइया में तेल पहले से गरम कर देना है, क्योंकि गरम तेल में ही इसे फ्राई करना है। इसे मीडियम या ठंडे तेल में नहीं फ्राई करना, नहीं तो हमारे भटूरे फूलेंगे नहीं। ये देखिए मैंने इसे गरम तेल में अच्छे से डाल दिया, और भटूरे के ऊपर आपको ऐसे ऑयल डालते रहना, इससे आपके भटूरे फटाफट से फूल जाएंगे। फिर हम इसे पलटा देंगे और दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए भटूरे कितने अच्छे फूले फूले बने हैं, एकदम सॉफ्ट से। भटूरे फ्राई करते समय आपको ध्यान रखना है ऑयल को तेज़ रखना है और भटूरे के ऊपर से ऑयल डालते रहना। अब हम इसे सर्व कर देंगे अपने छोले के साथ, जो छोले हमने अभी बनाया था, फटाफट उस छोले के साथ इस भटूरे को सर्व कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे छोले और भटूरे बनके फटाफट रेडी हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।